तो वहीं शाहपुर क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का अस्थायी कैंपस बनवाया गया था। आज फिर से केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के बयान ने इस क्षेत्र की जनता के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति बने डॉक्टर रोशन लाल और रजिस्ट्रार हेमराज ने प्रेस बयान जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 70% हिस्सा देहरा क्षेत्र में जबकि 30% हिस्सा धर्मशाला में ही तैयार होगा। इसके लिए अब देहरा में सीयू के नाम जमीन भी करा दी गई है। ऐसे में फिलहाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शाहपुर में कैंपस निर्माण करवाना है या नहीं, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम वहां बनाएंगे। जहां सरकार हमें लैंड देगी, ये सरकारों के, दो सरकारों के बीच का मसला था 2010 में 9 में, कि प्रदेश सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी। अब जमीन उपलब्ध करवाने के लिए जो फैसला हुआ, उसमें ये फैसला हुआ दोनों सरकारों के बीच में, धर्मशाला देहरा में होगी, उसमें शाहपुर का नाम नहीं है। इसमें हम ये कहें कि शाहपुर में भी बनेगी, इसमें शाहपुर का नाम इसमें प्रस्तावना में प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं है। जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि शाहपुर का जिक्र तक नहीं किया गया। जो अभी नई न्यूज़ आई हुई है उसमें यही है कि 70% जो है वो देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लिया जाएगा और 30% धर्मशाला में। तो हमें कहीं भी लिया जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे शाहपुर के साथ अनदेखी क्यों? जब सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 की बात है जब आई थी, उस समय पे किसी ने अगर जमीन दी थी, बिल्डिंग दी थी और अपना त्याग दिया था, तो वो शाहपुर के लोगों ने दिया था। शाहपुर ने उसको बिल्डिंग प्रोवाइड करवाई थी, क्योंकि वहाँ के जब स्टूडेंट्स थे जो कॉलेज के थे, उनकी बिल्डिंग को खाली करवा के वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाई गई थी और वहाँ पर वहाँ क्लासेस लगाई गई थी, और हमारे कॉलेज के बच्चों को एक स्कूल की बिल्डिंग में वहाँ पर क्लासेस लगाने को मजबूर होना पड़ा था। तो जब शुरू से अगर साथ शाहपुर ने दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ भाग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शाहपुर में भी बने। ये हमारे लोगों की साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे जो लोकल लोग हैं, लोकल नेते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा हमारे शाहपुर में भी बने।